सो द नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटेशंस ऑफ ऑनलाइन मार्केट रिसर्च. ठीक है, तो व्हाट आर द लिमिटेशंस? तो फर्स्ट इज द देयर मे बी टू मच डेटा अवेलेबल. ठीक है, आज के टाइम में क्या है कि देयर आर टू मेनी डेटा इज अवेलेबल, मींस यू आर डीलिंग विद द बिग डेटा बेसिकली. ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन है कि इसको डील करना, इसको एनालाइज करना और हर एक के लिए कस्टमाइज इंफॉर्मेशन निकालना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है. जैसे सप्लायर को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको सप्लायर को देनी है, जो डिस्ट्रीब्यूटर को चाहिए वो डिस्ट्रीब्यूटर को देनी है, जो रिटेलर को चाहिए वो इन्फॉर्मेशन रिटेलर को देनी, कस्टमर को क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, अपने मिडिल लेवल मैनेजमेंट को क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट को क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है. तो ये सब हमारे लिए मैप करना बहुत बड़ा चैलेंज है. ठीक है, नेक्स्ट इज द रिस्पॉन्सेज मे बी इनएक्यूरेट, और समटाइम्स क्या होता है अगर आपकी एनालिसिस रॉन्ग हो गई है ना, तो रिस्पॉन्सेज और रिस्पॉन्सेज मे बी इनएक्यूरेट है ना. अभी आप जनरली आप लोग सर्वे करा ही रहे हैं SIP के लिए. ठीक है, तो कुछ कुछ रिस्पॉन्डेंट्स का आप एटीट्यूड देखते हैं कि वो बहुत जल्दी में रहते हैं, तो एक ही रिस्पॉन्स को टिक करते चले जाते हैं. ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, उसको रिस्पॉन्स को बदलते रहते हैं कि समटाइम्स कुछ पॉजिटिव क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ निगेटिव पूछते हैं, कुछ पॉजिटिव पूछते हैं, और उसके ब्लेंड आप जो है डाल देते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाए कि जो आपका रिस्पॉन्डेंट है क्या कहीं वो बायस तो नहीं है. ठीक है, तो रिस्पॉन्सेज मे बी इनएक्यूरेट, तो मे बी हो सकता है कि जो आपने रिस्पॉन्स भरवाए हैं वो इनएक्यूरेट हो या एक तरीके से बायस्ड हो. ठीक है, तो ऐसे रिस्पॉन्सेज को भी आप कंसिडर करते हैं. नेक्स्ट इज द टेक्निकल प्रॉब्लम मे कॉज अ लॉस ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स है ना. तो टेक्निकल कॉजेस क्या हो सकते हैं, इंटरनेट स्लो, इंटरनेट स्लो, नेटवर्क है ना. तो टेक्निकल प्रॉब्लम मे कॉज अ लॉस ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स. ठीक है, नेक्स्ट इज देयर आर एथिकल एंड लीगल कंसिडरेशन. एथिकल एंड लीगल कंसिडरेशन क्या है कि आपको प्रॉपर परमिशन लेकर के, जैसे होता है ना कि जब आप क्वेश्चनेयर भरवाते हैं ठीक है अपने कस्टमर से या किसी पर्टिकुलर पर्सन से, रिस्पॉन्डेंट से, तो आप क्या कहते हैं उसको कि दिस मीन्स पर्टिकुलर रिसर्च इज कंडक्टेड फॉर जस्ट फॉर इस पर्पज के लिए, एकेडमिक पर्पज के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, या जस्ट फॉर हम आपका कहीं से भी नाम नहीं आने देंगे है ना, किसी भी कंडीशन पर आपका नाम, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हम रिवील नहीं करेंगे. तो दीज आर द देयर आर एथिकल एंड लीगल कंसिडरेशन है ना, तो वो सब भी आप कंसिडरेशन करते हैं और उसके उसके थ्रू आप जो है मार्केट रिसर्च कंडक्ट करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज इट इज डिफिकल्ट टू बिल्ड द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स. ठीक है, अभी इसमें मैं आपको बताऊं कि पहले क्या होता था कि जो आप रिसर्च पेपर्स वगैरह लिखा करते थे ना, तो जनरली रिसर्च पेपर 30-50 है ना, 100 के अंदर जो रिस्पॉन्डेंट थे उतना सैंपल साइज बेटर माना जाता था. अब आजकल मैं कुछ रिसर्च पेपर्स देखता हूँ उसमें थाउजेंड्स ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स आर देयर है ना, तो जबकि इतना तो थीसिस में हो जाता है. ठीक है, इवन थीसिस में पहले 200 रिस्पॉन्डेंट 300 रिस्पॉन्डेंट बहुत होते थे, अब आज के टाइम में अगर 1000 2000 आपने नहीं लिए हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं है. जितने ज्यादा रिस्पॉन्डेंट उतना ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट है ना. अभी भी एक रिसर्च में आया था कि कुछ 300 कुछ 375 प्लस अगर आपके रिस्पॉन्डेंट्स हैं तो आपकी जो एनालिटिकल कह सकते हैं ना, जो आप आजकल एनालिटिकल टूल इस्तेमाल करते हैं, तो उससे एक अच्छी एनालिसिस निकल के आती है. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो लिमिटेशन ऑफ दिस एरिया. ठीक है, तो लिमिटेशन ऑफ दीज आर सम ऑफ द लिमिटेशन ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग रिसर्च. ठीक है, सो इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी यू मे आस्क, एंड देयर आर सम वेब रेफरेंसेज, लाइक यू मे रेफर दिस बुक, योर टेक्स्ट बुक, एंड दिस इज द लिंक ऑफ ब्लॉग, एज वेल एज यू मे एक्सेस सम अदर वेब रिसोर्सेज. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द दिस टॉपिक दैट इज ऑनलाइन मार्केट रिसर्च. ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी यू मे आस्क. नो सर.